वाराणसी के अंतरापुर क्षेत्र स्थित होटल रेजेंसी में जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में सर्व शिक्षा अभियान तथा बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश व रूम टू रीड के संयुक्त सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को स्वतंत्र पाठक बनाना है। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता अभिषेक दुबे की रिपोर्ट। तो वो एक फुल फ्लेज्ड लाइब्रेरी की जो परिकल्पना होती है, हम सेम किताब मल्टीपल टाइम्स पढ़ते थे और मल्टीपल टाइम्स पढ़ के उसका जो आनंद आता था और उन किताबों को बार बार के देखा था, महसूस करके देखा था, पलट के देखा था, अब मुझे ऐसा लगा था जैसे मेरा दिल पर पहुंच सकते हैं। ये ऐसा मेरा बिल्कुल सर, जो चीज़ आप बयान नहीं कर पा रहे हैं वो महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि IAS बनने के लिए बहुत सारी किताबें आपने ज़रूर पढ़ी होंगी, लेकिन बचपन वाली वो किताबों से भरा बैग जो है वो आप कभी नहीं भूल सकते। और मैं यही बात पूजा जी से पूछूंगी कि आपका बचपन और लाइब्रेरी और किताबें सर, आज रूम टू रीड का कार्यक्रम कैसा रहा, कार्यक्रम क्या उद्देश्य है सर? रूम टू रीड के द्वारा यहाँ पर 80 लाइब्रेरी स्कूल में इस्टेब्लिश किए, बाकी 500 में और सपोर्ट किया। 180 विद्यालयों में रूम टू रीड की लाइब्रेरी इस्टेब्लिश होने के बाद बच्चों के अटेंडेंस लेवल में, लर्निंग लेवल में, उनके एक्साइटमेंट में बहुत वृद्धि हुई है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी काफ़ी विद्यालय नरूर में रूम टू रीड लाइब्रेरी का अवलोकन किया था और बच्चों से बहुत सारी बातें की थी। आज उसी के ऊपर एक डिस्कशन था। इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने की बात चल रही है। ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में इस्टेब्लिश किया, 10 राज्यों में संस्था काम कर रही है और इससे इंस्पायर होकर बाकी भी हमारे स्कूलों में अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी टीचर्स द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और हमारा घर तो लाइब्रेरी होता है, हमारा बैग तो लाइब्रेरी होती है, लेकिन अगर एक अच्छी सी लाइब्रेरी स्कूल में होती है तो एक पढ़ने का माहौल बनता है, मन लगता है। और ऐसा ही प्रयास मिलजुल के राज्य सरकार द्वारा और संस्था द्वारा किया जा रहा है। थैंक यू सर। आइए मीडिया के साथ में से मेरा निवेदन सर, आज जो कार्यक्रम पर्चा बता दीजिए। मेरा नाम मुकेश जोशी है, मैं रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट में स्टेट हेड हूँ और रूम टू रीड इंडिया 2017 से वाराणसी में काम कर रहा है। आज की जो परिचर्चा थी उसका उद्देश्य ये था कि रूम टू रीड इंडिया ट्रस्ट और एड्रा इंडिया, जो कि दो मेन मुद्दे हैं जिन पर सरकार का प्राइम फोकस है, प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छता और शिक्षा, उन दोनों मुद्दों पर चूंकि ये संस्थाएं बड़े पैमाने पर काम कर रही हैं तो सरकार से उनके कार्यक्रम के बारे में, किस तरीके की उनकी मॉनिटरिंग होती है उसके बारे में जानना और सरकार की उससे संभावित क्या योजनाएं हैं उसके बारे में बातचीत करने के लिए माननीय जिलाधिकारी जी के साथ में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया था। जैसा कि आप सबने सुना, चर्चा बहुत अच्छी रही। रूम टू रीड से किस तरह से बदलाव देख रहे हैं प्राथमिक विद्यालय? देखिए, रूम टू रीड बहुत मददगार साबित हुआ है बच्चों में पढ़ने की आदत विकास का विकास करने के लिए और बच्चों में किस तरीके से पढ़ना सीखा जाए उसके लिए। आप देखेंगे जब आप स्कूलों में जाएंगे, कक्षा 2 का बच्चा बहुत तेजी से और बहुत समझकर किताबों को पढ़ पा रहा है। ये रूम टू रीड और उन शिक्षकों की बदौलत हो पाया है जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से स्कूलों में मेहनत की।